श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, आपने अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक वीडियो तो जरूर देखा होगा, जिसमें एक लड़की अनिरुद्धाचार्य महाराज से प्रश्न करती है कि जैसा कि कल आप बोल रहे थे शिवजी पर जो जल चढ़ता है उसे हम नहीं पी सकते। इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा है शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। गुरुजी, मेरे से आपका एक प्रश्न था कि जो आप कल बोल रहे थे शिव जी में जो जल चढ़ता है उसे हम पी नहीं सकते, और एक बार प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि उसे हम औषधि के रूप में पी सकते हैं, तो मेरे को एक कंफ्यूजन था। इसके लिए आप शिव पुराण पढ़िए और शिव पुराण में जो लिखा है वो मानिए। शिव पुराण में मैं लिखा हुआ आपको बता सकता हूँ कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आज तक पहले भी कभी किसी ने सुना कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिया जाता है? नहीं पिया जाता। शिव पुराण में ही लिखा है कि नहीं पीना, तो जो लिखा है वही हम बताएंगे। हम जो भी बताते हैं वो शास्त्रों की बातें बताते हैं, लिखा हुआ, मनमाना कुछ नहीं। धन्यवाद गुरुजी। तो जैसा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज कर रहे हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं बताता हूँ। आज करोड़ों लोगों की आस्था शिव महापुराण से जुड़ गई है और लाखों लोगों को शिव पर चढ़े जल को पीने से फायदा भी हुआ है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी ठीक हो चुकी है। इसका प्रमाण भी गुरुदेव ने दिया है कि शंकर पर चढ़ा जल पीना चाहिए। देखिए, कुछ गुरुदेव ने महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखित पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर में इसका प्रमाण दिया है। जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेदव्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता, ध्यान रखिए। जो मनुष्य उंगली पर ध्यान देंगे, जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहां से पढ़ा जो बता दिया कि शिवलिंग पर चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए? गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है, स्पर्श मात्र से भी करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे खाते में आ जाता है। आज पूरे देश में करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण कथा से जुड़े हैं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए उपायों को घर बैठकर करके लाभ भी पा चुके हैं। जल के आचमन मात्र से निसंतान को संतान मिली है, अंधे को आंखें मिली है, चर्म रोग ठीक हुआ है, भयंकर से भयंकर बीमारियां मात्र शंकर पर चढ़े जल को पीने से ठीक हुई है। और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, कोई कितना भी कहे शिव की भक्ति कभी नहीं छोड़नी है। दर्शकों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।